हेलो फ्रेंड्स, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम एक केस के माध्यम से एक मेडिसिन की स्टडी करते हैं। तो केस के बारे में थोड़ा समझने से पहले हम एक चीज़ ये देखते हैं कि ये केस जो है डॉक्टर सहगल के माइंड मेथड के हिसाब से जो है केस डील किया गया है और माइंड रूबिक्स लेकर के मेडिसिन दी गई है और जिसमें बहुत मैजिकल रिजल्ट मिले हैं और हम मोस्टली यही माइंड मेथड से ही कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डॉक्टर एमएल सहगल ने बहुत ही हम लोगों को बहुत अच्छा टूल्स दे दिया है जो कि हम लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे। तो आइए इस केस को बारे में थोड़ा से जानने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये केस 2020 का है, अप्रैल में, यानी उस समय लॉकडाउन का माहौल था। तो लॉकडाउन में आप समझ सकते हैं कैसे माहौल रहता है, बिल्कुल डर सा। 2020 की जो लॉकडाउन थी वो बहुत भयंकर लॉकडाउन भी थी। उसमें बहुत लोगों के अंदर दहशत था कि हॉस्पिटल जो लोग जा रहे थे वो मोस्टली बचते नहीं थे, तो लोगों में बहुत दहशत रहती थी। तो इन पेशेंट के अंदर जो है यूरिनरी कंप्लेंट की प्रॉब्लम थी और इनका कहना था कि हम जो है 4-5 साल से बीपी की दवा ले रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टर से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में वो मल्टीविटामिन वगैरह की टेबलेट भी देते रहे हैं। तो इनका ये कहना था कि ये जो बीपी की दवा डॉक्टर साहब दे रहे हैं उसी वजह से हमको ये प्रॉब्लम हुई है। बार बार इस बात पे वो जोर देते थे और उस समय थोड़ा से गुस्से में आ जाते थे कि उसी डॉक्टर की वजह से, डॉक्टर को भी थोड़ा से बुरा भला कह देते थे कि उसी की वजह से ये हमारी प्रॉब्लम हुई है। और तो उनकी भी यूरिन की प्रॉब्लम कुछ दिन से रुक के हो रही थी, सही से नहीं हो रही थी। कुछ दिन तक वो ऐसे चलता रहा, काम चलता रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा हुआ कि पेशाब यूरिन उनको फिर एक दिन ऐसा हुआ कि यूरिन उनको ड्रॉप ड्रॉप होने लगा। तो फिर वो हमसे मेडिसिन के लिए जो है कांटेक्ट किए, तो हमने फिर उनको एक मेडिसिन दे दी। उनको मेडिसिन दी हमने फिर हायोसाइमस। फिर वो मेडिसिन नहीं एक्ट नहीं की, उस मेडिसिन से कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर अगले दिन उनका यूरिन बिल्कुल से रुक गया। बहुत मशक्कत करने के बाद, बहुत जो है परेशानी उठाने के बाद भी यूरिन नहीं हो पा रहा था और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। काफ़ी प्रयास होने के बाद भी काफ़ी प्रयास करने के बाद भी यूरिन उनको नहीं हो पा रही थी। फिर घर में सब लोग परेशान हो गए और उनकी आदत ये थी कि अपनी तकलीफ के बारे में किसी से शिकायत नहीं करते थे, चुपचाप पड़े रहते थे। फिर लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराने की बात करने लगे। फिर हमने पूछा और क्या हुआ, फिर कहने लगे कि अरे डॉक्टर साहब, अब तो दुआ ही काम आएगी। और सब लोग बैठकर घर पे बैठकर दुआ कर रहे हैं और आप भी दुआ करिए हमारे लिए कि हम सही हो जाएं। ये बात उन्होंने 2-3 बार कही कि अब तो बस केवल दुआ का ही सहारा है और हम जितने हमारे जानने वाले हैं उनसे हम दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं और वो हमारे लिए दुआ करें। और उनके अटेंडेंट बताने लगे कि ये बस यही चाह रहे हैं कि सब लोग मेरे पास बैठे रहें, कोई हमारे पास से ना हटे। तो ये केस था। तो इस केस में मैंने जो है सबसे पहले तो हायोसाइमस दिया। फिर हायोसाइमस में कोई जो है रिजल्ट नहीं मिला हायोसाइमस से। फिर हमने केस को और स्टडी किया। केस को स्टडी करने के बाद फिर हमने उनको जो है केस को फिर एनालाइज किया। केस को एनालाइज करने के बाद फिर हमने उनको लाइसिन मेडिसिन दी। लाइसिन मेडिसिन तो जल्दी से मेरे क्लिनिक में थी भी नहीं,
मोस्टली कहाँ रहती है, लाइसिन रेयर मेडिसिन होती है, जल्दी नहीं इस्तेमाल हो पाती है। तो लाइसिन 1000 पावर में मेरे पास एक ड्रम की शीशी में रखी हुई थी लिक्विड में, तो काफ़ी दिन की रखी थी, लेकिन हमने वही दवा लाइसिन वो 1000 पावर में उनको 3 खुराक दे दी। 3 खुराक लेने के बाद फिर उनका यूरिन पास आउट हुआ और धीरे धीरे करके उनकी यूरिन की प्रॉब्लम, थोड़ा दिन दवा चली तो उनकी यूरिन की प्रॉब्लम सही हो गई। और मैजिक मैजिक की बात यह है कि साथ में जो उनकी बीपी की दवा चल रही थी, वो बीपी की दवा इस लाइसिन 1000 के 3 डोज से बिल्कुल से बीपी की दवा छूट गई, जो कि आज 2 साल लगभग होने जा रहे हैं और आज तक जरूरत नहीं पड़ी बीपी की दवा की। और यूरिन की प्रॉब्लम भी अब बिल्कुल से सही चल रही है, दिक्कत नहीं हो रहा है हो रही है। नहीं तो उस समय लग रहा था कि इनको जो है अच्छा प्रोस्टेट, वो उस केस में अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत थी, लेकिन उस समय अल्ट्रासाउंड कराना भी बहुत मुश्किल था और अल्ट्रासाउंड भी नहीं करा मिला कि जाना जाए कि क्या पोजीशन है, कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड तो नहीं बड़ी हुई है। मोस्टली इस एज में तो प्रोस्टेट ग्लैंड की ही बात होती है, लेकिन फिलहाल नहीं वो का हो पाया। तो लाइसिन दिया गया, तो लाइसिन से फिर यूरिन की कंप्लेंट सही हो गई और जो उनकी बीपी की दवा चल रही थी वो बीपी की दवा भी छूट गई। तो इस केस में हमने कौन कौन से रूब्रिक्स बनाए हैं अभी हम बताएंगे, आप लोग भी इस केस में रूब्रिक्स एनालाइज करिए और तो समझिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस केस में हमने एक रूब्रिक्स बनाया, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज, यानी उसको इस रूब्रिक्स का मीन्स ये होता है कि उसको लगता है यानी किसी की वजह से अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किसी दूसरे को कारण बताएगा कि उनकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो गई। यानी जैसे इसमें इन्होंने बताया कि डॉक्टर की दवा की वजह से, यानी डॉक्टर दवा हार्ड हार्ड दवा चला दिए हैं, उन्हीं की वजह से हमको ये प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरीके से ये रूब्रिक्स यहाँ पे लिया गया है। दूसरी रूब्रिक्स है इन डिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, यानी वो किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे, किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे, यानी इन डिफरेंस रहते थे, कहते थे कुछ नहीं, बात ही नहीं करते थे ज़्यादा, फिर ज्यादा पूछने पे बताते थे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। इसमें अगली रूब्रिक्स है बैक डिजायर टू रिमेन इन, उनका उस समय मन करता था कि लेटे रहें, बस खाली लेटे रहें, केवल जब पेशाब की हाजत होती थी तो यूरिन की हाजत होती थी तो जाते थे, वरना वो लेटे ही रहते थे। और इसमें खास रूब्रिक्स है जो लाइसिन में हमने देखा था उस समय, प्रेइंग अदर्स टू प्रे फॉर हिम, यानी ये रूब्रिक्स बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लगी हमको, इसी रूब्रिक्स के आधार पर हमने केस को ओपन कर पाया था। तो प्रेइंग माने प्रार्थना करना, गॉड से प्रार्थना करना, अल्लाह से प्रार्थना करना, और जो उसके और लोग हैं, उसके साथ के लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, सबसे कहना कि मेरे लिए प्रे करो, प्रार्थना करिए। और इसके पैरेलल एक रूब्रिक्स और होती है बेगिंग, प्रे फॉर हिम एंड नॉट टू लीव हिम एलोन, मतलब लोगों से भीख मांग रहा है प्रार्थना की, प्रे की, और कह रहा कि हमको अकेले मत छोड़ो, कह रहा कि हमको अकेले मत छोड़ो, और लोगों से कह रहा कि भाई मेरे लिए प्रे करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। और इसमें ये रूब्रिक्स थी, तो इसमें यही 2-3 रूब्रिक्स खास हमने उस समय देखी थी कि प्रेइंग और बेगिंग, प्रेइंग अदर्स टू प्रे फॉर हिम और बेगिंग प्रे फॉर हिम नॉट टू लीव हिम एलोन। इसी दोनों रूब्रिक्स के आधार पे हायोसाइमस के बाद फिर हमने लाइसिन मेडिसिन दी, फिर लाइसिन ने बहुत ही मैजिकल रिजल्ट दिए, जिससे कि उनका यूरिनरी कंप्लेंट तो सॉल्व हो गया, साथ में जो बीपी की दवा चल रही थी वो छूट गई। तो आइए हम देखते हैं लाइसिन मेडिसिन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स
तो लाइसिन में एक इम्पॉर्टेंस रूब्रिक ये भी है कि डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, यानी उसको लगता है कि हमको सताया जा रहा है। तो इस रूब्रिक्स में अगर कहीं भी ऐसा रूब्रिक्स की फील मिल रही है तो इसमें मोस्टली दो रेमेडी होती है, लाइसिन और चाइना। तो इसमें अगर उस समय तो हमने नहीं समझ पाया था, लेकिन अगर इसमें देखें तो जो डिल्यूजन लॉन्ग सफर्ड ही है, जो अगर वो थोड़ा से हाई पावर की हो जा रही है तो इस रूब्रिक्स की फील मिल रही है। तो इस रूब्रिक्स को मद्देनजर रखते हुए भी हम जो है लाइसिन तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे इस रूब्रिक्स को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी सास बहु का मामला होता है तो उसमें बहू को अगर लगता है कि हम सास से प्रताड़ित हो रहे हैं, सास हमारे ऊपर जो है हमको सता रही हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर रही हैं, या कहीं जो है जूनियर सीनियर से प्रताड़ित हो रहे हैं, टॉर्मेंटेड हो रहे हैं, अगर इस तरीके से हो रहा है, या कहीं बेटे बाप में कहीं बाप बेटे में इस तरीके से जो है अगर टॉर्मेंटेड की फीलिंग मिल रही है, तो वहाँ पे भी ये जो है डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही रूब्रिक्स ले सकते हैं। यानी कहीं पर कोई भी जो है अगर किसी को वो सता रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, और अगले को लग रहा है कि हमको सताया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, तो ये रूब्रिक्स ले सकते हैं। और लाइसिन में एक माइंड रूब्रिक्स और होती है, एंगर अल्टरनेट विद क्विक रिपेंटेंस। एंगर माने गुस्सा, गुस्सा आता है और तुरंत ही पश्चाताप में हो जाता है उसको, पेशेंट को। यानी एंगर होगा, उसके बाद फिर उसको क्विक रिपेंटेंस हो जाता है, यानी 10 मिनट के अंदर ही, 5 मिनट के अंदर ही, यानी तुरंत ही उसको जो है पश्चाताप होने लगता है। तो ये रूब्रिक्स भी उनके अंदर जो है हमको मिली, एंगर अल्टरनेट विद क्विक रिपेंटेंस। इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण मेडिसिन होती हैं, जैसे सल्फर भी होती है इसमें, और क्रोकस सटाइबस है, सल्फर है और क्रोकस सटाइबस है, और भी काफ़ी महत्वपूर्ण दवाएं हैं। तो फिर सल्फर के बारे में फिर आगे हम सल्फर मेडिसिन में इसकी जिक्र करेंगे। बस आज यहीं तक, और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट में कर सकते हैं। ओके।